हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखो गाइस, अब की बार हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एल्युमिनियम स्ट्रक्चर ग्रेजिंग कैसे बनती है। दोस्तों, ये 2 इंच बाई 2 इंच का सेक्शन है एल्युमिनियम का और 5 mm गिलास लगता है इस पर। अभी हम जैसे कि फ्रेम बना रहे, फ्रेम बनाने के बाद में इस पर जाम कर रहे इसको ड्रिल मशीन से सुराख करके। इसमें 4 इंच लंबा गिट्टी के साथ स्क्रूप लगाते, जाम करने के बाद में फिर हम इस पर ये डबल टेप लगाते। चारों तरफ इस पर डबल टेप लग जाएगी। डबल टेप लगाने के बाद में ये देखिए, ऐसे डबल टेप लगाते इस पर। एक से ये एक साइड पिन्नी होती, फिर इसको चिपकाने के बाद में फिर दूसरी तरफ से पिन्नी खुद हटा देंगे इसकी शीशा लगाते टाइम पर। देखिए, डबल टेप लगाने के बाद में फिर इसके ऊपर ऐसे ही शीशा आएगा। ये देखिए, इस तरीके से काट देते हैं यहाँ तक लगा के। ये रही शीशा आने के बाद में, ये देखो ये छुटा दी यहाँ से। अब इसके बाद ये शीशा चिपक जाएगा। ये शीशा इस पर पेस्ट करके चारों साइड से दबा देंगे, इस पर शीशा चिपक जाएगा। देख, शीशा चिपकाने के बाद में फिर इसके चारों तरफ से पे गाइस सिलिकॉन लगा देंगे सारे में। पहले सारा शीशा चिपकाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से मास्किंग टेप लगाएंगे। मास्किंग टेप लगाने के बाद में फिर सिलिकॉन लगा देंगे। देखो इस तरीके से ये इस पर सही से जमा रहे, ताकि शीशा कहीं से भी लूज ना रहे, सारा जम जाए, इस पर चिपक जाए, चारों साइड से शीशा आ जाएगा। उसके बाद में दोनों शीशों के ज्वाइंट के बीच में मास्किंग टेप लगेगी। मास्किंग टेप लगने के बाद में उसके बाद में फिर इस पर ऊपर से सिलिकॉन आ जाती है, जो फाइनल फिनिशिंग में, ताकि कोई पानी वानी, हवा, धूल, मिट्टी अंदर कहीं से भी नहीं घुसे। इस तरीके से लगती है। ये लाइट ब्लू एंटीलो शीशा है, इसका लाइट ब्लू। ये देखिए, इस तरह दोनों उसके बीच में ये टेप लगा देते हैं इस तरीके से। अभी आपके सामने सारा क्लियर आता रहेगा किस किस तरीके से स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये मास्किंग टेप लगाइए, इस तरीके से मास्किंग टेप लग जाती है। अब जो बीच की झेरी जो दिखाई दे रही, जो बैक का जो गैप है, उसके अंदर से फिर सारे में सिलिकॉन भर देंगे। ये देखो, ये गन है, इसके अंदर ये सिलिकॉन लगा रखी है। सिलिकॉन भरने की मशीन होती है। ये देखो, इस तरीके से सिलिकॉन भरते हैं, साइडों में सिलिकॉन भरी जा रही है। और ये इसके बीच में दोनों शीशों के ज्वाइंट के बीच में सिलिकॉन भरी जा रही है। ये देखो, इस तरीके से भर देते हैं हम लोग। ये देखो, ऐसे सिलिकॉन भर जाती है। ये रहा, ये बीच नीचे की साइड में सिलिकॉन भरी जा रही है। ये वाइट वाइट जो भी है, ये मास्किंग टेप लगी हुई है। इस तरीके से इसके अंदर सिलिकॉन आ जाती है। ये देखो, देखो दोस्तों, ये ऐसे साइड में जो बच जाती है, जो दीवार में फर्क आया था, उसके लिए साइड में सिलिकॉन भर जाती है। ये देखो भाई, इस तरीके से सारे में सिलिकॉन आके, ये पल्ला है इसका, जो खिड़की बोलते हैं इसको, खिड़की अंदर से खड़े होकर बाहर को खुलेगी ये खिड़की, नीचे से ऊपर को उठ जाती है। ये इसकी खिड़की है, जैसे कोई झांकना है, कुछ सामान लेना है, कुछ आजमाने, उसके लिए यूज करते जो खिड़की, इस तरीके से यूज हो जाती है। इसमें बाहर को ऊपर को उठती और खिड़की की तरह नहीं खुलती साइड में, ये सीधी ऊपर को उठाई जाती है। ये लॉक सिस्टम होता है इसका, जहाँ मर्जी रोकना चाहो वहाँ ये रुक जाती है। और इसके अंदर ये देखो, ये अंदर का हिस्सा है इसका। और इसके बाद में अभी इसको खोल रखी है बाहर को, ये अंदर के हिस्से से दिखा रहे हैं हम इसको आपको। अब हम कुछ ही देर में आपको इसे बाहर की तरफ से भी दिखाएंगे। ये देखो, अभी कब्जे की सेटिंग कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कत आ रही है शीशे में, शीशा अटक जाता है तो उसके लिए सेट करना पड़ता है। ये देखो, ये हिंज है, ये इसका कब्जा होता है, एसएस का कब्जा होता है इसका। ये देखिए, अब हम इसका बाहर का हिस्सा आपको दिखाएँगे। अभी आप बाहर का फेस देखना किस तरीके से ये आके, ये अंदर का वेस है, ये हैंडल है इसमें, ये यहाँ पर चटकनी होती है लगी हुई। अब देखना इसका बाहर का फेस आपको अभी दिखाएँगे। ये देखो, बाहर से ऐसे दिखेगा ये खुला हुआ।